स्क्रीन शेयर कर दी मैंने। स्क्रीन शेयर हो रही है सर जी। अस्सलाम वालेकुम क्लास, मेरा नाम हुमा खान, रोल नंबर 01953। टॉपिक है हैलोजन्स। हैलोजन्स यूज कर एज अ केमिकल डिसइंफेक्टेंट हमने पढ़ना है, तो वो कैसे एज अ डिसइंफेक्टेंट इस्तेमाल होते हैं, क्या क्या इस्तेमाल होता है। हैलोजन्स में आता है क्लोरीन, फ्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन। ये चार हैलोजन्स हैं जिसमें कॉमन ये यूज होते हैं डिसइंफेक्टेंट, बैक्टेरियल साइडल, स्पोरोसाइडल और विरल साइडल। क्लोरीन कौन सा है और आयोडीन कौन सा है, ये हम इजीली रूटीनली यूज कर सकते हैं, ये मतलब ये इजीली इस्तेमाल हो सकते हैं, लेकिन ब्रोमाइन और फ्लोरीन इजीली इस्तेमाल नहीं होते क्योंकि ये डिफिकल्ट टू हैंडल है, इसलिए वो इजीली इस्तेमाल नहीं होते हैं। नेक्स्ट अगर हम बात करें क्लोरीन की, क्लोरीन इज वाइडली यूज फॉर डिसइंफेक्टेंट। क्लोरीन जो है वो इस्तेमाल होता है डिसइंफेक्टेंट के लिए। कंप्रेस गैस जो होती है इन लिक्विड फॉर्म में अगर हम यूज करें तो वो प्योरिफिकेशन करती है वाटर सप्लाईज की। क्लोरीन जो होता है वो मेन यूज होता है वाटर को प्योरीफाई करने के लिए, म्यूनिसिपल वाटर को प्योरीफाई करने के लिए। बहुत जगह पे पानी जो होता है वो बहुत गंदा है, मतलब पीने के लायक भी नहीं है, तो वहां पे ज्यादातर क्लोरीन यूज होती है। क्लोरीन गैस जो होती है वो तो फ्री गैस, अगर हम सिंपल क्लोरीन फ्री गैस की बात करें तो वो मुश्किल है हैंडल करना, उनको हैंडल करना बहुत मुश्किल है, इसलिए वो लिमिटेड है लार्ज स्केल ऑपरेशन के लिए, जैसे कि प्योरिफिकेशन प्लांट्स के लिए जहाँ पे इक्विपमेंट जो है इजिली इंस्टॉल हो सके और उनके सेफ हैंडलिंग हो सके। लेकिन क्लोरीन के जो है कंपाउंड्स मौजूद है जो इजिली और कन्वीनियंटली हम लोग जो यूज कर सकते हैं एज अ डिसइंफेक्टेंट, वेरी इफेक्टिव डिसइंफेक्टेंट। उनमें से आते हैं हाइपोक्लोराइड, हाइपोक्लोराइड कैल्शियम, जिन हाइपोक्लोराइड में आता है कैल्शियम हाइपोक्लोराइड और सोडियम हाइपोक्लोराइड। ठीक है, सोडियम हाइपोक्लोराइड जो वो एक केमिकल कंपोनेंट है जो कॉमन हाउस और ब्लीच में इस्तेमाल होता है और ये एक बहुत अच्छा डिसइंफेक्टेंट है। सोडियम हाइपोक्लोराइड और कैल्शियम हाइपोक्लोराइड ये आल्सो यूज होता है स्विमिंग पूल्स को क्लीन करने के लिए, स्विमिंग पूल्स को डिसइंफेक्ट करने के लिए भी ये यूज होता है, और ये दोनों आल्सो यूज होते हैं फूड प्रोसेसिंग और रेस्टोरेंट इंडस्ट्रीज में, लाइक मतलब फूडबोर्न डिजीजेस को कम किया जाए। ये कैल्शियम हाइपोक्लोराइड और सोडियम हाइपोक्लोराइड जो होते हैं वो फूड प्रोसेसिंग और रेस्टोरेंट इंडस्ट्रीज में भी इस्तेमाल होते हैं, जहाँ पर रिड्यूस करते हैं हम फूडबोर्न डिजीजेस को रिड्यूस कर सकें। वर्कर्स इन दीज इंडस्ट्रीज, जो वर्कर्स होते हैं ना वो इन इंडस्ट्रीज में वो इंश्योर करते हैं कि जो हम क्लोरीन की क्वांटिटी है या क्लोरीन कंपाउंड्स की जो क्वांटिटी है वो प्रॉपर यूज कर रहे हैं, ताकि कंज्यूमर्स को कंज्यूमर्स की सेफ्टी के लिए, ताकि कंज्यूमर्स को भी ना नुकसान हो ना खुद को नुकसान हो, इसलिए इसकी प्रॉपर क्वांटिटी यूज होती है। एक मैंने बताया एक हाइपोक्लोराइड कंपाउंड, दूसरा है क्लोरोमाइंस। क्लोरोमाइंस भी कौन से हैं, वो भी यूज होते हैं डिसइंफेक्टेंट, सैनिटाइजिंग एजेंट और एंटीसेप्टिक। ये क्लोरोमाइन कैसे करेक्टराइज होता है, अगर हम वन और मोर हाइड्रोजन आइटम्स होते हैं अमाइनो ग्रुप के, उनको एक हाइड्रोजन आइटम को अगर रिप्लेस कर दिया जाए क्लोरीन से तो क्लोरोमाइन आर फॉर्म। नेक्स्ट है क्लोरीन डाइऑक्साइड, ये भी क्लोरीन डाइऑक्साइड जो होता है वो गैशियस एजेंट है, ये भी यूज होता है फ्यूमिगेशन के लिए, स्टरिलाइजेशन के लिए, निक्लोज एरिया। और वाटर स्पेशल जो यूज होता है इसका क्लोरीन या क्लोरीन कंपाउंड का टू डिसइंफेक्ट करना वाटर्स को ड्रेसिंग से पास करना। क्लोरेटेड कंपाउंड जो हैं वो इफेक्टिव तो हैं, लेकिन सम काइंड्स ऑफ डिसइंफेक्टेंट्स आर आल्सो प्रेजेंट। जो डिसइंफेक्टेंट्स जो हैं वो ये हैं कि वो इरिटेट करते हैं स्किन को, नोज में, आईज को, और ये कम्प्लीटली एलिमिनेट नहीं कर सकते कुछ माइक्रोऑर्गेनिज्म को। लाइक हम एग्जांपल लेते हैं फंगस क्रिप्टोस्पोरिडियम की, इसके ऊपर जो है वो प्रोटेक्टिव लेयर होती है शेल की जो रिजिस्ट करते हैं क्लोरेटेड डिसइंफेक्टेंट्स को। ये क्लोरीन को क्लोरेटेड डिसइंफेक्शन की रेजिस्टेंस रखती है ये फंगस जो होती है, तो इसलिए ये इनको एलिमिनेट नहीं कर सकते ये क्लोरीन डिसइंफेक्टेंट, तो इसके लिए हमें क्या। जस्ट अ मिनट, आपने क्रिप्टोस पोरिडियम के लिए फंगस का इस्तेमाल किया है, इसका सोर्स क्या, आपने कहां से नोट किया है? सर इंटरनेट से। इंटरनेट से जी, क्लास में से कोई बच्चा तरम चाहेगा इसको कि वो क्वेश्चन करना चाहेगा और मैंने क्या गलती की है?
क्लास में से कोई इसको करेक्ट करना चाहेगा, क्लास में से, क्लास में कितने बच्चे बैठे हैं जी? 25 हैं इस वक्त, इसने क्या मिस्टेक की है? जी नो आंसर फ्रॉम द क्लास, नोट कीजिएगा, आप क्रिप्टोस्पोरिडियम को प्रोटोजोआ में स्टडी कर चुके हो रहे हैं, इट इज अ प्रोटोजोआ, और ये जिस ग्रुप से है उसमें चूंकि स्पोर का लफ्ज, जैसे स्पोरोजोआ है, स्पोरोजोआ का मतलब ये नहीं कि वो स्पोर में आ रहे हैं और वो फंगस बन जाएंगे। पहले याद रखिएगा, मैं पहले कह चुका हूँ कि नेट के ऊपर बाज़कार आपको ऐसी मिस्टेक्स मिल जाती हैं जो ज़रा कि एक आम स्टूडेंट के लिए उनको समझना आसान नहीं होता कि ये मिस्टेक है और वो उसको एज सच दुरुस्त समझते हो। चलें फिर ठीक है, चलें जी अब आगे चलें, इसी से कंटिन्यू करना है आपने। ओके, नेक्स्ट टाइम उन्होंने कहा है कि जो क्लोरोमाइन और हाइपोक्लोराइड में से एक एडवांटेज जो क्लोरोमाइन का ये है कि उसकी स्टेबिलिटी ज्यादा है एज कम्पेयर टू हाइपोक्लोराइड कम्पाउंड के। वो इस तरह के जो हाइपोक्लोराइड कौन से, अगर हम सोडियम हाइपोक्लोराइड या कैल्शियम हाइपोक्लोराइड को इन्वायरमेंट हीट टेम्परेचर या लाइट के साथ अगर हम कनेक्ट करें तो उनका रिलीज जल्दी हो जाता है, वो इजिली रिलीज हो जाते हैं, तो ये इनकी स्टेबिलिटी को रिड्यूस करता है। लेकिन क्लोरोमाइन जो होता है अगर उसको हम किसी के साथ कंपेयर कनेक्ट करें लाइक हीट लाइट टेम्परेचर का, तो उसका प्रोलॉन्ग रिलीज है, इसलिए वो आहिस्ता आहिस्ता रिलीज होता है, तो इसकी स्टेबिलिटी ज्यादा है। नेक्स्ट है मोड ऑफ एक्शन के, कैसे एंटी क्लोरिन जो होता है एंटी माइक्रोबियल एक्शन परफॉर्म करता है, ये करता है थ्रू हाइपोक्लोरिक एसिड। जब क्लोरिन फ्री क्लोरिन जो होती है एड होती है वाटर के साथ तो हाइपोक्लोरिक एसिड फॉर्म होता है और HCl रिलीज होती है। हाइपोक्लोरिक एसिड जो होता है फर्दर डिकम्पोज, तब वो फर्दर डिकम्पोज करते हैं तो नेसेंट ऑक्सीजन रिलीज होती है जो एक स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है। ये नेसेंट ऑक्सीजन जो है ये जो माइक्रो ऑर्गेनिज्म के सेलुलर कॉन्स्टिट्यूएंट्स को डिस्ट्रॉय कर देती है, ये माइक्रो ऑर्गेनिज्म को किल करती है क्लोरीन, और इस तरह डायरेक्ट कॉम्बिनेशन होता है क्लोरीन का प्रोटीन और सेल मेम्ब्रेन और एंजाइम को, जिससे जिससे एंटीमाइक्रोबियल एक्शन परफॉर्म होता है। नेक्स्ट है आयोडीन। आयोडीन इज द ओल्डर एंड मोस्ट इफेक्टिव जर्मिसाइडल एजेंट है। प्योर आयोडीन जो है वो ब्लैक क्रिस्टलाइन है, पेरिक्लिस्टर, ये भी सोल्यूबल होती है वाटर में और रेडिली सोल्यूबल होती है इन अल्कोहल में। आयोडीन भी ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, सेलुलर कंपोनेंट्स है जिसमें इंक्लूड होते हैं सल्फर कंटेनिंग माइनो एसिड्स, फैटी एसिड, और जिससे प्ले करते हैं माइक्रोमोलिक्यूल्स को। ये जो है ये टॉपिकल टिंक्चर है जो काज करता है स्टेनिंग और स्किन इरिटेशन को। आयोडीन का ही एक कंपाउंड है आयोडोफोर, ये कम्प्लेक्स विद एन ऑर्गेनिक मोलिक्यूल्स है, ये इंक्रीज करता है आयोडीन की स्टेबिलिटी को। आयोडोफोर जो है आयोडोफोर की जो कॉमन आयोडोफोर है वो पोविटन आयोडीन है जो वेटिंग एजेंट है और रिलीज करता है आयोडीन को स्लोली। पोविटिन आयोडीन जो है वो एक वेटिंग एजेंट और रिलीज करता है आयोडीन को स्लोली स्लोली। इसी का पोविटिन आयोडीन का एक ब्रांड है जिससे यूज बीटा डाइन, ये यूज होता है सिस्टम मेडिकल पर्सनल बिफोर सर्जरी एंटीसेप्टिक पेशेंट स्किन के लिए, लाइक सर्जिकल इंस्ट्रूमेंट को यूज होता है और पेशेंट की स्किन पर होता है बिफोर सर्जिकल। आयोडीन की प्रैक्टिकल एप्लीकेशन की बात करें तो ये भी एक हाईली बैक्टीरियासाइडल एजेंट है, ये बहुत इफेक्टिव है ऑल काइंड ऑफ माइक्रोऑर्गेनिज्म को। लेकिन उन्होंने कहा कि ये प्रोजेस्ट करता है स्पोरोसाइडल एक्टिविटीज, ये आल्सो किल द स्पोर्स, स्पोर्स को किल करता है, और इट इज हाईली फंगीसाइडल और वायरोसाइडल भी है। आयोडीन की प्रिपरेशन जो है वो वेरी इफेक्टिव है, ये भी ऐसी तरह सच है डिसइंफेक्ट वाटर में यूज होता है, डिसइंफेक्ट करने के लिए एयर्स को आयोडीन वेपर्स यूज हों तो वो डिसइंफेक्ट कर देते हैं एयर्स को, और सैनिटाइज करता है फूड और यूटेंसिल्स को। इसका मोड ऑफ एक्शन की बात करें तो आयोडीन कैसे एंटीमाइक्रोबियल एक्टिविटी परफॉर्म करता है ये इतना अंडरस्टूड नहीं है, लेकिन उन्होंने कहा है कि आयोडीन जो है वो एक ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है, तो इसका मतलब वो एंटीमाइक्रोबियल एक्शन परफॉर्म करता है। ऑक्सीडाइजिंग एजेंट कैसे, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट जो है वो इरिवर्सिबली ऑक्सीडाइज होता है और इनएक्टिवेट करता है इनिशियल मेटाबोल कंपाउंड्स को जैसे प्रोटीन और सल्फोहाइड्रो, जब इनको ये इनएक्टिवेट करता है फिर एंटीमाइक्रोबियल एक्शन परफॉर्म होता है। नेक्स्ट जो पैसेज बुक पे है वो आयोडीन और क्लोरीन का ही मेन रोल है, लेकिन थोड़ा सा मैंने ये पढ़ा था क्लोरीन जो है वो डेंटल कैविटीज में कंट्रोल करता है, हमने बहुत से टूथपेस्ट का देखा हुआ है कि फ्लोराइड फ्लोराइड टूथपेस्ट है, तो फ्लोराइड जो है वो टूथपेस्ट में इस्तेमाल होता है जिसमें
वो ओरल हेल्थ को मेंटेन करता है. फ्लोराइड जो है वो ऑप्टिक कैल्शियम और फॉस्फोरस आयंस भी होता है, जिसमें हम प्रमोटेड रिमिनरलाइजेशन करता है, जिसमें इनामल्स कुछ इनामल्स मजबूत होते हैं, ये स्ट्रेसिंग करता है इनामल्स की, और ये बैक्टीरियोस्टैटिक है. तो फ्लोराइड जो है इसका छोटा सा इस्तेमाल ये भी है कि वो टूथपेस्ट में इस्तेमाल होता है और डेंटल केयर करता है. थैंक यू सर. क्लियर हो गया कुछ क्वेश्चन? चलिए क्लास की तरफ से कोई क्वेश्चन, कोई बच्चा हमारे से कोई क्वेश्चन पूछना चाहता हो जो उसने प्रेजेंटेशन दी है. हमारे चीजों को बहुत तेजी के साथ बयान करते हुए जल्दी से मुका दिया है जी. क्लास की तरफ से कोई क्वेश्चन जो इंडिकेट करे कि क्लास इसमें कोई इंटरेस्ट ले रही है स्टडी में जी. क्लास से कोई सवाल नहीं आ रहा. चलो मेरे से सवाल आ रहा है जी. आप इसको थोड़ा सा प्रेजेंटेशन को नीचे लाएं जहाँ पे आपने क्लोरीन से ऊपर जाएं, आर्डीन से पहले जहाँ पे क्लोरीन 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 का टॉपिक था. आर्डीन आर्डीन की सॉल्युबिलिटी निकालने का, आर्डीन की सॉल्युबिलिटी वाला टॉपिक निकालने जी. इसमें जो आपने जो स्टेटमेंट दिया हुआ है टॉपिक तो केमिस्ट्री का है, लेकिन पहले आपकी वर्डिंग है इट ओनली सॉल्युबल इन वाटर बट रेडली सॉल्युबल इन अल्कोहल. ये आर्डीन के अंदर आपका स्टेटमेंट है, इसको एक्सप्लेन करें अंदर आपने क्या लिखा है. सर वाटर में सॉल्युबल, ये भी खुद लिखा है या ये नेट से उठाया है? सर ये मैंने खुद लिखा है. खुद लिखा है, जरा पढ़ें फिगर क्या कह रहा है. इट ओनली सॉल्युबल फिगर मैंने कहा ना, फिगर को गौर से सुन लें, लिखे हुए को पढ़ लें. अब लिखा है इट ओनली सॉल्युबल इन वाटर. फिर भी गलत रहेगा, ओनली नाम लिखे फिर भी गलत है. अच्छा जी बताएं क्या गलती है. नहीं वो हो सकता होगा, साइंस में होगा नहीं साइमन किया. प्रैक्टिकल 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 की बात होती है. प्रैक्टिकली क्या होता है? क्या सर? प्रैक्टिकली कैसे होता है, कैसे करते हैं? कोई सॉल्यूशन तैयार करना पड़े, आप कैसे तैयार करेंगे आर्डिन का सॉल्यूशन? आप लोग माइक्रोबायोलॉजी पढ़ रहे हैं, माइक्रोबायोलॉजी पढ़ते हुए जी क्लास में बहुत से बच्चे मौजूद हैं जी, 25 प्रेजेंट हैं इस वक्त. आप लोगों ने आई एम श्योर सबको याद है ग्राम स्टेनिंग, आप पहले सेमेस्टर से करते आ रहे हैं. पहले सेमेस्टर बॉटनी में शामिल थी, FSC में भी शामिल थी ग्राम स्टेनिंग बैक्टीरिया की, और अब तो आखिरी सेमेस्टर है आप लोगों का. आप सातवें सेमेस्टर में माइक्रोबायोलॉजी बेसिक्स पढ़ चुके हुए, अब भी आपने बहुत सी माइक्रोबायोलॉजी पढ़ ली है. माइक्रोबायोलॉजी में ग्राम स्टेनिंग और ग्राम स्टेनिंग का आर्डीन से क्या ताल्लुक है, कोई क्लास में से बताना चाहेगा? इस सवाल का जवाब देना चाहेगा कोई? और वो आर्डीन जो कि यूज की जाती है इसमें ग्राम आर्डीन आल्सो कॉल्ड डिगोस आर्डीन, वो कैसे प्रिपेयर की जाती है, अगर तैयार करने पड़े तो आप कैसे करेंगे जी? क्लास में इस वक्त जवाब देने वाला कोई बच्चा नजर नहीं आ रहा जी. हसन उमर वगैरह हैं कि नहीं है? मदर अच्छा, किसी केमिस्ट्री जरा अच्छी वाली हो. अरे आमना और अक्सा जरा ये स्क्रीनशॉट महफूज करें, चेक करें आज कितने बच्चे मौजूद हैं, जो प्रेजेंट हैं अलग और जो एब्सेंट हैं उसकी अलग से मुझे लिस्ट बना के भेजनी है. अब दोनों मिलके कोऑर्डिनेट कर लें. अच्छा है ना इस वक्त? हाँ जी उमर बैठा हुआ है, खामोश है जी. उस्मान मौजूद है, ये भी खामोश बैठा है. हसन मुझे नज़र नहीं आ रहा. जी देखिए कि थ्योरी और प्रैक्टिकल साथ साथ चलते हैं. साइंस में अगर प्रैक्टिकल ना हो तो फिर साइंस और फारसी में कोई फर्क नहीं आ जाता. आयशा बतूल ने हैंड्रेस किया था जी, अक्सा ने हैंड्रेस किया है. अक्सा कुछ कहना चाह रही हैं? दो तीन बच्चे जी, फरवा उस्मान सिद्दीक जी, इसमें दो हैंड्रेस हैं जी. फरवा आप अनम्यूट करें अपने आप को. फरवा जी सर, सर मैंने जो केमिस्ट्री में पढ़ा है जो आयोडीन का सोल्यूशन तैयार करते हुए, तो ये था कि वाटर के अंदर पोटाशियम आयोडाइड था सोल्यूशन,
तो जब हम उसमें आयोडीन डालते हैं तो आयोडीन जो होता है उसके पोटाशियम आयोडाइड जो है उसकी आयोडीन के साथ रिएक्शन करके तो I3 बनाता है, जिससे वो पर्पल कलर से ब्राउन कलर में कन्वर्ट हो जाता है सर। इस तरह उसकी मतलब डिसॉल्व करना पड़ा था। ठीक है जी, फरवा ने डिटेल बता दिया। अब किसी और ने हाथ खड़ा किया था जी, आप ठीक है म्यूट कर लें। और किसी ने हाथ खड़ा किया था जी, दोबारा कुछ कहना चाह रहा है कोई? और कोई कुछ कहना चाहता जी? अक्सर एहसान आप अनम्यूट करें करें ताकि ये आपको दोबारा हैंड रेस कीजिए। अक्सर एहसान एहसान जी ये अब अनम्यूट करें जी। अब सर मैंने भी जी सर मैंने भी यही आंसर करना था जो फरवा ने किया कि पोटाशियम आयोडीन को पोटाशियम आयोडाइड साल्ट को हमने वाटर के अंदर डाल के आयोडीन सॉल्यूशन तैयार करते हैं। सर आपने अनम्यूट ही नहीं किया था। नहीं वो मैंने कहा था हैंड रेस करें, क्योंकि वो दो तीन लोगों ने इकट्ठे हैंड रेस कर लिए थे तो फिर एक एक को ये रोक पहले किया था, मैंने देखा नहीं, उन्होंने बाद में किया था। नहीं वो चूंकि मुझे जिस तरीके से नजर आए हैं मैंने उस तरीके से, वो जब आप हैंड रेस करते हैं तो बस का टाइम कब गैप हो जाता है। पहले ठीक है जी आपका जवाब दुरुस्त है। याद रखिएगा कि पोटैश आयोडीन को डायरेक्टली पानी में हल करें तो ये कम हल होती है, और वो आयोडीन सॉल्यूशन जो हमने यूज़ करना होता है खा वो बायोकेमिस्ट्री में यूज़ हो रहा हो या ग्राम सेलिंग में यूज़ करता हूँ, उसको तैयार करने के लिए पहले पोटाशियम आयोडाइड को हल करते हैं। पोटाशियम आयोडाइड के सॉल्यूशन में जब आयोडीन डालते हैं तो वो बड़ी आसानी के साथ हल हो जाती है और उसका सॉल्यूशन बन जाता है, और वही सॉल्यूशन दोनों जगह पर यूज़ होता है, लेकिन उसकी परसेंटेज फिक्स होती है खास परसेंट। जी अनीजा भी कुछ कहना चाह रही है, आप क्या कहना चाह रही है अनीजा? अनम्यूट करें जी। अनीजा आपकी आवाज नहीं आ रही है, आवाज नहीं आ रही, शोर आ रहा है, आवाज नहीं आ रही है, शोर आ रहा है। आपकी आवाज नहीं आ रही है, बंद कर लें माइक, बंद कर लें। तो ये चूंकि मैं से कह रहा था उन्हें से उसकी आवाज साफ नहीं आ रही थी, लेकिन वो मेरे तो उस तक शायद मेरी आवाज नहीं आ रही थी, इसलिए म्यूट नहीं किया था, मुझे म्यूट करना पड़ा मजबूरन जी। नेक्स्ट होम ऑफिस आई हुई है कि नहीं? फिजा जी हुआ आप बंद कर लें। फिजा